हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वी द डॉक्टर्स। और इस वीडियो में हम इसोफेगस, डायफ्राम और थोरासिक डक्ट के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्टली विल बी कवरिंग अबाउट द इसोफेगस। द इसोफेगस इज अ स्ट्रक्चर विच इज डेवलपिंग फ्रॉम द फोर गट, और फोर गट से और भी स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं सच एज द स्टमक, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स एंड लिवर एंड वेरियस अदर स्ट्रक्चर्स। तो जो इसोफेगस है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज। सो जो ट्रकिया है, इट इज सराउंडेड विद द हेल्प ऑफ वेरियस कार्टिलेजेस, एंड आउट ऑफ इट वी हैव द क्रिकॉइड कार्टिलेज विच वी कैन सी हियर। और इसके लोअर बाउंड्री से इसोफेगस स्टार्ट होगा फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट। नाउ जो इसोफेगस है, इसे हम तीन पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज द अपर पार्ट, द सर्वाइकल, द मिडल पार्ट दैट इज द थोरासिक, और जो लोअर पार्ट है इट इज द अबडोमिनल। और इन तीनों की जो ब्लड सप्लाई है, इट इज डिफरेंट, और इसे हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। नाउ जो सर्वाइकल पार्ट है, इट इज लोकेटेड एट द लेवल ऑफ C6 टू C7 सर्वाइकल वर्टिब्रे, एंड एज आई सेड दैट इट इज प्रेजेंट पोस्टीरियर। सो हियर मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए आई हैव ड्रॉन एंटीरियरली द ट्रकिया एंड पोस्टीरियरली वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द इसोफेगस। नाउ जैसे जैसे ये नीचे मूव करता है, देन इट मूव्स बिहाइंड द हार्ट। सो हियर वी हैव आवर हार्ट, एंड बिहाइंड द हार्ट वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द इसोफेगस, एंड फाइनली एट द वर्टिब्रल लेवल T3 एंड T4 इट इज प्रेजेंट पोस्टीरियर टू दी एओटा, और ये वो एओटा है दैट इज द थोरासिक डिसेंडिंग एओटा। नाउ हियर वी कैन टेक अ लुक, जो ये पार्ट है विच इज कमिंग बैकवर्ड्स, इट इज द थोरासिक डिसेंडिंग एओटा। और इसके पीछे प्रेजेंट होता है द इसोफेगस, सो इट इज समवॉट लाइक दिस। This is our esophagus. Now, moving downwards, जो esophagus है, it will continue downwards up to the level of the diaphragm, और diaphragm पे ये insert होता है in the esophageal hiatus. अब हियाटस मतलब सिंपली एक ओपनिंग विच इज अलाउिंग फॉर द पैसेज टू एंटर, और ये जो इसोफेजियल हियाटस है, इट इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ T10 वर्टेब्रल लेवल, एंड इट विल फर्दर लीड टू द स्टमक। और इसी लेवल पे इसोफेगस एंड स्टमक फॉर्म्स अ जंक्शन नोन एज the gastroesophageal junction. Now, moving ahead towards the blood supply. So, before discussing the blood supply, we'll be discussing about the vagus nerve. A vagus nerve jo hai, it is innervating the esophageal muscles. अब इसोफेजियल मसल्स में वी हैव द टू टाइप्स ऑफ मसल्स, दैट इज द सर्कुलर एंड द लॉन्जिट्यूडनल, और ये हम डिस्कस करेंगे जब हम इसकी हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे। नाउ इट इज इनोवेटिंग द इसोफेजियल मसल्स एज वेल एज द ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन द सबम्यूकोसल रीजन। जैसे हमने प्रक्रिया की वीडियो में डिस्कस किया दैट the submucosal level has presence of the submucosal glands which are responsible for secreting the mucus, and these are responsible for initiation of the peristalsis. A peristalsis wo periodic movement hai, it is a type of periodic movement in which we have continuous contraction
एंड रिलैक्सेशन, यानी ये जो आपकी ट्यूब है दैट इज द ईसोफेगस, तो इसमें जब कोई बोलस एंटर करता है, अ बोलस इज फॉर्म्ड, दिस इज आर बोलस एंड दिस बोलस इज फॉर्म्ड द सलाइवा प्लस फूड, और ये जब बोलस है इट पासिस थ्रू द ईसोफेगस, द ईसोफेगस शो द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट, यानी पहले जो ऊपर वाला पार्ट है इट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड इट विल पुश द फूड डाउनवर्ड्स, एंड फर्दर जो नीचे वाला पार्ट है इट विल रिलैक्स, एंड साइमल्टेनियसली यही प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहता है अनटिल इट रीचेस द स्टमक। नाउ जो अपर पार्ट है ऑफ द ईसोफेगस दैट इज द अपर वन थर्ड ऑफ द ईसोफेगस, इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ द स्ट्राइटेड मसल्स एंड इट इज सप्लाइड विद द हेल्प ऑफ द रिकरेंट लारिंजियल नर्व व्हिच इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व इटसेल्फ। अब जो ब्लड सप्लाई है इसमें वी हैव द इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, द थोरासिक एओर्टा एंड द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। अब इन तीनों की जो ईसोफेजियल ब्रांचेस है दे आर सप्लाइंग द रेस्पेक्टिव रीजन्स ऑफ द ईसोफेगस, दैट इज जो सर्वाइकल पोर्शन है ऑफ द ईसोफेगस इट इज सप्लाइड बाई द ईसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ द इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। तो हियर यू कैन टेक अ लुक दैट वी हैव द इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, और ये जो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी है इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सबक्लेवियन आर्टरी इटसेल्फ, और जो वेन सप्लाई है टू द सर्वाइकल पोर्शन इट इज विद द हेल्प ऑफ द इन्फीरियर थायराइड वेन व्हिच आल्सो फॉलोज द पाथ ऑफ द इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। सो हियर वी कैन टेक अ लुक दैट वी हैव द इन्फीरियर थायराइड वेन्स एंड दीज इन्फीरियर थायराइड वेन्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्रेकियोसेफेलिक वेन, और जो थोरासिक पोर्शन है एज वेल एज द अबडोमिनल पोर्शन इट इज द थोरासिक पोर्शन फ्रॉम द थोरासिक एओर्टा, whereas जो abdominal portion है it is originating from the left gastric arteries. Now यहाँ पर हम देख सकते हैं that we have the esophageal branches of the inferior thyroid artery. अब ये inferior thyroid artery जो upper part of esophagus को supply कर रहे हैं, then we have the aortic esophageal arteries which is coming up from the aorta itself. This blue structure is the aorta, and finally we have the left gastric artery which is also giving off the esophageal branches to supply the esophagus, and here is our diaphragm. और जो left gastric artery है it is originating from the celiac artery. Now अब हमने discuss कर लिया the arterial supply of the cervical, the thoracic as well as the abdominal portion. Now we'll be discussing about the vein supply. So venous supply में we have the cervical portion which is being supplied with the help of the inferior thyroid vein. जो thoracic portion है it is supplied by the ozygous and the hemiozygous vein, and जो abdominal portion है it is supplied by the left gastric vein which is draining itself into the portal circulation. So now moving towards the histology of the esophagus, जो esophagus है इसे हम चार layers में divide कर सकते हैं, that is the innermost being the mucosal layer, और इस mucosal layer में we have presence of the stratified squamous epithelium. अब कभी कभी क्या होता है because of the excessive secretion of the acid जो stratified squamous epithelium है it gets converted into simple squamous epithelium, और इस condition को हम कहते हैं Barrett's esophagus. और Barrett's esophagus is because of the excessive acid secretion. ये एक उसकी एक cause है, इसके और भी cause हो सकते हैं, but जो acid का increase level है it is the most common cause of Barrett's esophagus. अब इसमें जो सेल लेयर चेंज हो रही है फ्रॉम द स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टू द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इट इज अ टाइप ऑफ मेटाप्लेजिया. मेटाप्लेजिया वो कंडीशन होती है जिसमें जो एक सेल लेयर है इट इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द अनदर टाइप ऑफ सेल लेयर. सो
It is the type of metaplasia. Now, moving towards the next layer, we have the submucosal layer. Of submucosal layer mein, we have the presence of the blood vessels, the glandular epithelium, yani glands, that is the submucosal glands which will secrete the mucus, and then we have the presence of the mucinous plexus. So, jo muscular layer hai, it is made up of the inner circular layer, the inner circular muscle fibers, yani andar ki taraf circular muscle fibers hoti hai, whereas in case of the outer layer, it is made up of the longitudinal muscle fibers. So, it is a type of longitudinal muscle fiber on the outer aspect. और इन दोनों के बीच में वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द ओरेबैक्स प्लेक्सस. एंड जो मस्कुलर लेयर है इट इज स्ट्राइटेड इन द प्रॉक्सिमल वन थर्ड एज वी डिस्कस प्रीवियसली एंड इन द डिस्टल एस्पेक्ट इट इज स्मूथ मसल्स. नाउ मूविंग अहेड वी हैव द लास्ट लेयर दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर विच इज द एडवेंटिशियल लेयर. अब ये जो एडवेंटिशियल लेयर है इट इज मेड अप ऑफ द डेंस कनेक्टिव टिश्यू विच आर इन टर्न मेड अप ऑफ द इलास्टिक फाइबर्स. सो ये हो गई उसकी हिस्टोलॉजी. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्लिनिकल्स रिलेटेड टू द ईसोफेगस. वी हैव द टू इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल्स रिलेटेड टू इट, दैट इज द जिंकर्स डाइवर्टिकुलम एंड द ट्रकियोसोफेजियल फिस्टुला. अब जिंकर्स डाइवर्टिकुलम में आपको पहले किलियंस डहेसेंस करके एक रीजन है उसके बारे में आपको जानना होगा. नाउ The Killian's dehiscence is a region which is present between the thyropharyngeus muscle. अब ये जो ऊपर में येलो में हाईलाइट कर रहा हूँ इट इज द thyropharyngeus. एंड नीचे वाले एस्पेक्ट पे वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द cricopharyngeus. और इन दोनों के बीच में वी हैव अ स्पेस. और ये जो रीजन है प्रेजेंट बिटवीन द थायरोफेरिंजियस मसल एंड द क्रिकोफेरिंजियस मसल इज नोन एज द किलियंस डहेसेंस. और किलियंस डहेसेंस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द डाइवर्टिकुलम. एंड The diverticulum is named as the Zenker's diverticulum. So, it is a most common site of the formation of the diverticulum, that is the Zenker's diverticulum. जिसमें जो larynx का part है, it is entering into the Killian's dehiscence region. और जो next condition हमारे पास है, it is known as the tracheoesophageal fistula. अब tracheoesophageal fistula में होता क्या है? जो हमारा ट्रकिया है विच इज प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ये फ्यूज हो जाता है विद द ईसोफेगस. और जो अपर पार्ट में ईसोफेगस प्रेजेंट होता है वो अंडरगो करता है अ प्रोसेस नोन एज अट्रेशिया. अट्रेशिया यानी वो प्रोसेस जिसमें आपकी जो बॉडी की ओपनिंग है इट इज क्लोज्ड. जो ईसोफेगस है वो जो कंटिन्यूस होना चाहिए था इट इज नॉट कंटिन्यूस, वेयरएज इट इज बीइंग क्लोज्ड एट अ अपाइकल पोर्शन एट अ अपर पोर्शन ऑफ द ईसोफेगस. और जो नीचे वाला पोर्शन है इट इज बीइंग फ्यूज्ड विद द ट्रकिया. सो नाउ ये हमने डिस्कस कर लिया रिगार्डिंग द हिस्टोलॉजी द स्ट्रक्चर एंड द क्लिनिकल्स रिलेटेड टू द ईसोफेगस. सो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द थोरासिक डक्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डायफ्राम. जो डायफ्राम है इसमें तीन मेजर ओपनिंग होती है एंड थ्री माइनर ओपनिंग्स आर प्रेजेंट. सो जो थ्री मेजर ओपनिंग्स है दीज आर द ईसोफेजियल हियाटस विच कैन बी सीन हियर. देन वी हैव द केवल हियाटस दैट इज द केवल ओपनिंग फॉर द वीना कावा एंड द एओर्टिक हियाटस. जो वीना कावा है इट इज पासिंग थ्रू द डायफ्राम एट द T8 वर्टिब्रा लेवल. जो ईसोफेजियल हियाटस है इट इज पासिंग थ्रू द ईसोफेगस एट द T10 वर्टिब्रल लेवल, वेराज जो एओर्टिक हियाटस है इट इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ T12. सो इसे याद रखने का एक सिंपल निमोनिक है, दैट इज वी हैव 8 लेटर्स इन केस ऑफ वीना कावा, वी हैव 10 लेटर्स इन केस ऑफ ईसोफेगस. अगर आप
ईसोफेगस को ओ से स्टार्ट करते हैं देन यू हैव 10 लेटर्स। और इन केस ऑफ द एओर्टिक हियाटस, जो एओर्टिक हियाटस है इट इज मेड अप ऑफ 12 लेटर्स, सो दैट इज द टर्म एओर्टिक हियाटस इज मेड अप ऑफ 12 लेटर्स, सो वी हैव द T12। सो इट इज अ इजी वे टू रिमेंबर कौन सा पॉइंट कहां पर बाइफरकेट या फिर इंसर्ट हो रहा है। नाउ अपार्ट फ्रॉम इट, जैसा कि आप देख सकते हैं वी हैव द मेजर पार्ट विच इज फॉर्म्ड बाय द मस्कुलर पार्ट, और उसके सेंटर में वी हैव प्रेजेंस ऑफ दिस टेंडन, और ये जो टेंडन है इट इज नथिंग बट ये मसल का एक्सटेंशन है एंड इट इज अ इंसर्शन पॉइंट ऑफ द डायफ्राम, और ये जो टेंडन सेंटर में प्रेजेंट होता है इसे हम कहते हैं द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम। ये जो सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम है एंड द फाइब्रस पेरिकार्डियम दीज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द सेप्टम ट्रांसवर्सम। अब सेप्टम ट्रांसवर्सम इट इज अ एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो ओरिजिन देता है टू द सेंट्रल टेंडन एज वेल एज जो आपकी फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम आपकी जो आउटर लेयर है इट इज नोन एज द फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं। सो हियर वी हैव आवर फाइब्रस पेरिकार्डियम। इस स्ट्रक्चर में अपार्ट फ्रॉम इट एज वी डिस्कस्ड वी हैड द 3 मेजर ओपनिंग्स एंड देन वी हैव द 3 माइनर ओपनिंग्स। जो 3 माइनर ओपनिंग्स है दीज आर द फर्स्ट वन दैट इज द फोरामेन ऑफ मॉर्गैग्नी। अब ये जो फोरामेन ऑफ मॉर्गैग्नी है इट इज प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ द स्पेस ऑफ लारी, सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द अदर 2 माइनर ओपनिंग्स वेरी सून जब मैं आपको एक दूसरा डायग्राम दिखाऊंगा जिसमें वो सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। देन हियर वी कैन टेक अ लुक वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। अब ये जो लेटरल आर्कुएट लिगामेंट है इट इज फॉर्म फ्रॉम द क्वाड्रेटस लंबोरम। अब क्वाड्रेटस लंबोरम ये एक हिप फ्लेक्सर मसल है जो आपके हिप के फ्लेक्शन मूवमेंट में हेल्प करता है अलॉन्ग विद द सोआस मेजर, और जो सोआस मेजर है इट विल फॉर्म द मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, वेरास जो क्वाड्रेटस लंबोरम है इट विल फॉर्म द लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। और पोस्टीरियरली वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द 2 क्रस दैट इज द राइट क्रस एंड द लेफ्ट क्रस। सो हियर वी हैव आवर लेफ्ट क्रस एंड हियर वी हैव आवर राइट क्रस। क्रस का सिंपल मीनिंग है in Latin leg, so it is appearing somewhat like a leg originating from the diaphragm, so it is termed as crus. Now jo left crus hai it is shorter as compared to the right crus, so hum keh sakte hain that the right crus is longer. Now ek important point regarding the diaphragm that it is a C-shaped muscular tendinous structure or इट सेपरेट्स द थोरासिक कैविटी फ्रॉम द अबडोमिनल कैविटी, यानी आपके लंग्स को जो अबडोमिनल स्ट्रक्चर्स है उससे सेपरेट करती है दैट इज द डायफ्राम। एंड एज वी डिस्कस्ड वी हैव द केवल हियाटस, जो केवल हियाटस है इट इज फॉर द इन्फीरियर वीना कावा। नाउ सिंस इन्फीरियर वीना कावा जो है वो इन्फीरियरली आपके जो भी लोअर बॉडी स्ट्रक्चर्स है उससे ब्लड ड्रेन करने जाएगी और इट विल पास थ्रू अ स्ट्रक्चर नोन एज द डायफ्राम, एंड यही पैसेज जो है इट विल क्रिएट द केवल हियाटस और द केवल ओपनिंग एंड इट इज प्रेजेंट एट द T8 वर्टिब्रल लेवल, और अलॉन्ग विद इट वी हैव द अदर स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू इट दैट इज द राइट फ्रेनिक नर्व। सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द राइट फ्रेनिक नर्व आई एडेड अ पॉइंट रिगार्डिंग द लेफ्ट फ्रेनिक नर्व दैट इज जो लेफ्ट फ्रेनिक नर्व है इट इज क्वाइट लॉन्गर एज कम्पेयर टू द राइट फ्रेनिक नर्व। अब ये क्यों होता है, since we can take a look that here we have our left phrenic nerve and here we have our right phrenic nerve, or since ye jo left phrenic nerve hai it is passing through a longer pathway yani use heart ke apex ke region ke through usse jana hota hai, so it has to travel a longer path, whereas jo right phrenic nerve hai it has to travel a shorter path. Then we have the esophageal hiatus, or esophageal hiatus pe we have the most common diaphragmatic hernia that is the hiatal hernia. The hiatal hernia hai it is nothing but the protrusion, yani jo aapke internal organs hai
वो प्रोट्रूड करता है एंड इट अपियर्स मॉर्फोलॉजिकली फ्रॉम द स्किन इटसेल्फ, यानी आप जो प्रोट्रूजन है ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स यू कैन टेक अ लुक एट इट फ्रॉम द आउटसाइड इटसेल्फ. देन द इसोफेजियल हियाटस इज लोकेटेड इन द रीजन ऑफ द मस्कुलर पार्ट और द राइट क्रॉस ऑफ द डायफ्राम, वेराज जो वीना केवल हियाटस था इट इज लोकेटेड इन द रीजन ऑफ द सेंट्रल टेंडन. तो इट इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर सेंट्रल टेंडन अगर कभी कॉन्स्ट्रिक्ट होता है देन वी नो कि ये मोस्ट कॉमनली इफेक्ट करेगा टू द इन्फीरियर वीना कावा, ना कि द इसोफेजियल हियाटस विच इज द फॉर द इसोफेगस एंड द एओर्टिक हियाटस दैट इज फॉर द एओर्टा एंड इट इज प्रेजेंट एट द T10 वर्टिब्रल लेवल एंड द स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू इट अपार्ट फ्रॉम द इसोफेगस आर द वेगस नर्व दैट इज द 10th क्रेनियल नर्व. अब इसके दो ब्रांचेस पास होते हैं दैट इज द राइट वेगस नर्व एज वेल एज द लेफ्ट वेगस नर्व एंड जो वेगस नर्व है विल फर्दर फॉर्म द गैस्ट्रिक नर्व आफ्टर पासिंग थ्रू द इसोफेजियल हियाटस. और जो गैस्ट्रिक नर्व है इट इज इन टर्न फॉर्म्ड फ्रॉम द सीलिया गैंग्लिया अलॉन्ग विद द वेगस नर्व एंड ऑल्सो वी हैव द पैसेज ऑफ द इसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि ऊपर की तरफ आएंगी टू सप्लाई द इसोफेगस. देन वी हैव द एओर्टिक हियाटस. जो एओर्टिक हियाटस है इट इज प्रेजेंट बिटवीन द क्रस ऑफ टू डायफ्राम विच कैन बी सीन हियर. सो ये जो दोनों क्रस है दैट इज द राइट क्रस एंड द लेफ्ट क्रस इन दोनों के बीच से पास होता है द एओर्टा दैट इज द थोरासिक एओर्टा और अलॉन्ग विद दैट वी हैव द पैसेज ऑफ द थोरासिक डक्ट एंड द अजाइगस वेन. तो थोरासिक डक्ट के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे लेकिन जो अजाइगस वेन है इट इज ड्रेनिंग द ब्लड फ्रॉम द राइट पार्ट ऑफ पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स. जो आपकी राइट पार्ट ऑफ इंटरकॉस्टल वेन्स है पोस्टीरियरली जो अजाइगस वेन है वहां से ड्रेन करेगा ब्लड एंड इट विल देन सप्लाई इट टू द राइट एट्रियम. तो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि जो एओर्टिक हियाटस है इट इज नॉट पासिंग थ्रू द डायफ्राम, यानी सिंस इट इज प्रेजेंट बिटवीन द टू क्रस सो जो एओर्टिक हियाटस से स्ट्रक्चर्स पास हो रहे हैं दैट इज द एओर्टा द थोरासिक डक्ट एज वेल एज द अजाइगस वेन दीज आर पासिंग फ्रॉम द क्रूस इटसेल्फ एंड नॉट फ्रॉम द डायफ्राम. और अब हम डिस्कस करेंगे द थ्री माइनर ओपनिंग्स दीज आर द फोरामेन ऑफ मोरगैग्नि एके स्पेस ऑफ लारी. अब ये जो फोरामेन ऑफ मोरगैग्नि है हियर वी कैन टेक अ लुक जो एंटीरियर एस्पेक्ट है यहाँ पर जहाँ पर ज़िफर्ड प्रोसेस प्रेजेंट है. तो हियर वी हैव द क्लोज रिलेशन विद द लारिस पाल्टी. अब ये जर्मन में वर्ड लिखा हुआ है इट सिंपली रेफर्स दैट इट इज द लारी स्पेस एंड हियर वी हैव द मोरगैग्नि लॉच दैट इज द फोरामेन ऑफ मोरगैग्नि. यानी ये जो वाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके बीच में वी हैव द ब्लू डॉट और ये ब्लू डॉट रिप्रेजेंट्स द फोरामेन ऑफ मोरगैग्नि विच इज प्रेजेंट नियर टू द ज़िफर्ड प्रोसेस. और इसमें से जो स्ट्रक्चर्स पास होते हैं दीज आर द सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और ये जो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है इट इज द ब्रांच ऑफ द इंटरनल थोरासिक आर्टरी. और इंटरनल थोरासिक आर्टरी जो है इट गिव्स ऑफ टू ब्रांचेस दैट इज द मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी एंड द सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी. अब मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी एज द नेम सजेस्ट इट इज सप्लाइंग द इंटरकॉस्टल मसल्स एज वेल एज द डायफ्राम एंड द अबडोमिनल मसल्स. और जो नेक्स्ट माइनर ओपनिंग है इट इज फॉर द सिंपैथेटिक चेन. अब जो सिंपैथेटिक चेन है इट इज प्रेजेंट डीप टू द मीडियन आर्कुएट लिगामेंट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द मीडियन लंबोकोस्टल आर्च. और जो थर्ड ओपनिंग है इट इज फॉर द सब कोस्टल वेसल आर्टरीज एंड नर्व्स. सब कोस्टल यानी बिलो द रिब ट्वेल. सो इसमें जो सब कोस्टल वेसल्स है दैट इज द सब कोस्टल वेन आर्टरीज एंड द नर्व्स दीज आर पासिंग थ्रू the lateral arcuate ligament. So here we can take a look that here we have the sympathetic chain ganglia and here we have the vessels
those were the subcostal vessels, that is the veins, arteries and nerves. So अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द मीडियन आर्कोइड लिगामेंट विच इज ऑल्सो रेफर्ड एज द मीडियल लंबोसेक्रल आर्च. तो ये जो मीडियल आर्कोइड लिगामेंट है इट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द डायफ्राम, यानी इट इज क्लोज टू द वर्टेब्रा एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द लंबर वन वर्टेब्रे एज वेल एज द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द लंबर वन वर्टेब्रे. और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट गिव्स ऑफ द सोवास फेशिया विच विल कवर द सोवास मेजर मसल. एंड देन we have the lateral arcuate ligament which is originating from the transverse process of the lumbar one vertebrae as well as the rib 12, and it passes over the thoracolumbar fascia which is covering the quadratus lumborum muscle. So here we can take a look, here jo medial aspect pe jo tha, here medial aspect pe we had the iliopsoas muscle, aur ye jo iliopsoas muscle hai it is along with the lumbar one vertebrae giving off the median arcuate ligament, that is the body of the lumbar one vertebrae and the transverse process of the lumbar one vertebrae, and it will give off the fascia, that is the psoas fascia. Or jo quadratus lumborum hai, ye jo side mein muscle present hai, this one is the quadratus lumborum, aur ye jo quadratus lumborum hai it will along with the lumbar one vertebrae and with the floating rib 12 it will give off the thoracolumbar fascia which is present on the posterior aspect. So thoracolumbar fascia, here you can take a look, ye jo fascia hai, the white one, ye jo white structure hai, this is the thoracolumbar fascia. Aur ye jo thoracolumbar fascia hai it is also referred as the thoracodorsal fascia or the lumbodorsal fascia. So here we have the cross sectional view of the posterior aspect of the lumbodorsal fascia or the thoracolumbar fascia. So yahan par we have the anterior layer and the posterior layer, aur in dono anterior and posterior layer ke beech mein we have the presence of the erector spiny muscles which is also referred as the sacrospinalis. Then above the anterior layer lies the quadratus lumborum muscle. So here lies the quadratus lumborum muscle. और जो क्वाड्रेटस लंबोरम फेशिया है इसकी फेशिया के ऊपर वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द सोवास मेजर मसल. सो दिस वाज द जनरल अरेंजमेंट ऑफ द मसल्स प्रेजेंट इन द थोराकोलंबर फेशिया. नाउ एज आई मेंशनड दैट बिटवीन द मिडल एंड द पोस्टीरियर लामिना लाइज द इरेक्टर स्पाइने एंड द मल्टीफिडस मसल. सो जो रोल है डायफ्राम का इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंस्पिरेशन प्रोसेस. जब आप एयर इंस्पायर करते हैं देन जो डायफ्राम है विच इज प्रेजेंट एज अ डोम इट इज फ्लैटन आउट, इट फ्लैटन्स अप, और जो आपकी थोरासिक कैविटी है उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, एंड ड्यू टू इट जो लंग्स है इट कुड इंस्पायर मोर एयर, वेयर एज जो एक्सपिरेशन होता है देन द डायफ्राम बिकम्स अगेन इन अ डोम शेप, और ड्यू टू इट द लंग्स हैज टू एक्सपायर मोर एयर आउट. नाउ हियर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द लेफ्ट क्रस्ट एंड द राइट क्रस्ट. तो जो लेफ्ट क्रस है इट इज ड्रेन विद द हेल्प ऑफ द हेमियाजाइगस वेन विच कैन बी सीन हियर. सो हियर वी हैव आवर हेमियाजाइगस वेन. अब ये जो हेमियाजाइगस वेन है इट ड्रेन्स द पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड. हमने देखा कि अजाइगस वेन जो था इट वाज ड्रेनिंग फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द इंटरकॉस्टल वेन्स, वेयरएज जो लेफ्ट साइड ऑफ इंटरकॉस्टल वेन्स है इट इज ड्रेन विद द हेल्प ऑफ द हेमियाजाइगस वेन अलॉन्ग विद द एक्सेसरी हेमियाजाइगस वेन. सिंस अजाइगस वेन जो है इट विल ओनली टेक वीनस सप्लाई फ्रॉम द 9-12 इंटरकॉस्टल वेन्स, वेयरएज जो एक्सेसरी हेमियाजाइगस है इट विल टेक फ्रॉम द 4-8 इंटरकॉस्टल वेन्स, एंड अलॉन्ग विद दैट जो हेमियाजाइगस वेन है इट विल ऑल्सो टेक द ड्रेनेज फ्रॉम द ईसोफेजियल वेन्स एंड द मीडियास्टाइनल वेन्स. नाउ each crus of the diaphragm is supplied with the help of this splanchnic nerve, and these splanchnic nerve are the preganglionic nerve fibers which are inserting on the posterior abdominal wall jahan par ganglia present hota hai, and after that it is called as postganglionic. So here from the right crus up to the posterior abdominal wall it is known as the preganglionic, whereas uske baad ke nerve fiber ko we call it as the postganglionic nerve fibers. And
देन वी हैव द ब्लड सप्लाई, तो ब्लड सप्लाई में वी हैव द सुपीरियर एंड द इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी. द सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी एनास्टोमोस विद द इंटरनल थोरासिक आर्टरी, एंड जो इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी है इट विल पास अलॉन्ग विद द इन्फीरियर फ्रेनिक वेन्स. सो बोथ द इन्फीरियर फ्रेनिक वेन्स एंड द इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी पास साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन. एंड जो सुपीरियर और इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी है दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द थोरासिक एओर्टा विच इज़ द डिसेंडिंग एओर्टा. और जो इंटरनल थोरासिक आर्टरी की ब्रांचेस सप्लाई करती है टू द डायफ्राम दीज आर द मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरीज एंड द पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी. तो जो मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरीज है दीज आर सप्लाइंग द 7th to 9th इंटरकॉस्टल स्पेस एज वेल एज द रीजन ऑफ द पेरिकार्डियम एंड द एब्डोमिनल मसल्स. वेर एज जो पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी है इट इज सप्लाइड It is supplying the fibrous pericardium, that is the outer layer of the heart. Now, moving ahead, we have the veins. Ab veins mein, we have the superior and the inferior phrenic veins. Though, jo superior phrenic veins hai, these are moving along with the pericardiophrenic arteries. And the inferior phrenic veins are moving along with the inferior phrenic arteries. Then, we'll discuss about the innervations. तो इनोवेशंस में वी हैव द C3 to C5, दैट इज जो फ्रेनिक नर्व है इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द C3 to C5 वर्टिब्रल लेवल. और इसकी वजह से जो भी इरिटेशन डायफ्राम में होती है इट इज फेल्ट इन द रीजन ऑफ द शोल्डर और द ट्रपेजियस, सिंस इट इज द रीजन विच इज क्लोजर टू द C3 to C5 वर्टिब्रल लेवल. तो जो फ्रेनिक नर्व है इट इज गिविंग बोथ मोटर एज वेल एज सेंसरी सप्लाई टू द डायफ्राम. Whereas, जो inferior intercostal nerves है वो भी supply करती है along with the subcostal nerves, but these are only giving the sensory supply to the diaphragm. So here you can take a look, we have the caval opening. और ये जो inferior vena cava है it is passing through the central tendon, लेकिन जो aorta है it is passing from the outside of the diaphragm. And similarly we have the other structures passing through the aortic hiatus, that is the thoracic duct along with the azygous vein. And here we also have the hemiazygous which is draining from the left hand side of our body. So this is the thoracic descending aorta, and here we have the diaphragmatic part of the parietal pleura, yani jo recess form kiya tha between the lungs ka parietal pleura as well as the diaphragm. तो उसे हम कहते हैं the costo diaphragmatic recess which is present somewhere over here. और जो pleura है which is continuous over the diaphragm, तो it is referred as the diaphragmatic part of the parietal pleura which is the whitish part present above the muscular part. So this is the muscular part of the diaphragm. On the anterior aspect, we can take a look, we have the presence of the Zeffert process. Now, moving towards the clinicals related to diaphragm, the first clinical is the diaphragm paralysis. A diaphragm paralysis is the loss of control of either one side or both side of the diaphragm. If it is on one side, then it is termed as unilateral. Agar dono side pe hota hai, then it is termed as bilateral. Iske most common cause hai, it could be either due to the direct trauma of the phrenic nerve, that is yani agar surgery ke time phrenic nerve damage hoti hai, ya fir agar koi tumor phrenic nerve ko compress karta hai, then it can lead to the diaphragm paralysis. Also it can also occur in conditions like myasthenia stroke, which is in case of the muscular dystrophy. And the most common symptoms related to diaphragm paralysis is dyspnea, yani abnormal respiration, since diaphragm is a key organ playing a role in inspiration. Then it could lead to fatigue, yani why condition sari jo inspiration na hone ki wajah se hogi, since oxygen ka level kam hoga body mein, due to it would lead to the fatigue. The blue lips yani cyanotic conditions, blue lips and blue fingers, that is these are termed as cyanotic conditions, yani bluish ho jana due to the less amount of oxygen present in our body. And now moving towards the last part of our video,
दैट इज द थोरासिक डक्ट. अब जो थोरासिक डक्ट है इट इज कैरिंग द काइल विच इज नथिंग बट द लिम्फ और द ट्राइग्लिसराइड. अब ट्राइग्लिसराइड यानी इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड फैट का सिंपल मतलब है डाइजेस्टेड फैट. तो जब इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस होता है देन वी ऑल्सो हैव द डाइजेशन ऑफ द फैट्स इन द इंटेस्टाइन इटसेल्फ. तो वहाँ पर वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द थोरासिक डक्ट. और ये जो थोरासिक डक्ट है तो हमारी बॉडी में कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज है एंड अलॉन्ग विद इट वी हैव सम एडिशनल ट्रिब्यूटरीज ऑफ द थोरासिक डक्ट. तो जो मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द थोरासिक डक्ट है दीज आर द राइट एंड लेफ्ट इंटेस्टाइनल ट्रंक, द राइट एंड लेफ्ट लंबार ट्रंक, whereas in case of the additional ones we have the whereas in case of the additional thoracic ducts we have the intercostal lymph nodes, the mediastinal lymph trunks and the left bronchomediastinal trunks. तो ये जो सारे structures है these drain lymph from our complete body except the right arm, the right side of the thorax, the right head and neck, as well as the left side of the thorax and upper limb. तो इसको drain करने के लिए we have the right lymphatic duct. और ये जो right lymphatic duct है it will further drain into the right venous arch that is present at the junction of the subclavian vein and the internal jugular vein. और कभी कभी जो lymph है it leaks out of the lymph vessels due to the rupture of thoracic duct and this leakage of chyle into the pleural cavity is termed as chylothorax. अगर ये लीकेज स्मॉल अमाउंट में होती है देन इट इज नॉर्मल और असिम्प्टोमैटिक. लेकिन अगर यही लार्ज अमाउंट में होता है लीकेज देन इट कुड ब्लॉक रेस्पिरेटरी पाथवे सिंस ये जाके प्लूरल कैविटी में जाके अक्यूमुलेट हो रहा है. देन वी हैव द कॉजेस ऑफ द काइलोथोराक्स. इट कुड बी ईदर ट्रोमैटिक, नॉन ट्रोमैटिक और कॉन्जेनेटल. ट्रोमैटिक में वी हैव द सर्जरी और रेडिएशंस. नॉन ट्रोमैटिक में जैसे कि नॉन ट्रोमैटिक मैलिग्नेंसी यानी स्प्रेडिंग ऑफ द ट्यूमर. Then we can also have it in case of TV or superior vena cava obstruction. Since जो काइल था it was draining into the venous system. अगर superior vena cava itself obstruct हो गया then it would drain again into the pleural cavity. And the congenital etiologies of it are Down syndrome and Turner syndrome. Now in our body we have a structure known as coronary lymph node. तो ये एक स्ट्रक्चर है विच इज आस्क्ड फ्रीक्वेंटली. तो ये जो कोरोनरी लिम्फ नोड्स है दीज आर मेड अप ऑफ द ब्रेकियोसेफेलिक नोड्स एज वेल एज द ट्रकियोब्रोंकियल नोड्स. और जो थोरासिक डक्ट है इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चर नोन एज द सिस्टर्ना काइलाई. अब सिस्टर्ना काइलाई क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ लिम्फैटिक सैक यानी लिम्फ से भरा हुआ सैक है विच इज लोकेटेड एट द रीजन ऑफ लेफ्ट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम फ्रॉम विच the thoracic duct originates and it empties into the left venous arch. So as you can note that jo left venous arch hai it is the drainage point for the thoracic duct whereas jo right venous arch hai it is the drainage point of the राइट थोरासिक डक्ट. और इसमें से जो सबक्लेवियन वेन है इट इज गिविंग ओरिजिन टू द एक्सिलरी वेन यानी सबक्लेवियन वेन आगे जाके फॉर्म करेगी द एक्सिलरी वेन. एंड इसके अदर ब्रांचेस है दैट इज द एक्सटर्नल जुगुलर वेन एज वेल एज द डॉर्सल स्कैपुलर वेन जो आपके डॉर्सम ऑफ स्कैपुला यानी पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्कैपुला को सप्लाई करेगी. एंड देन वी हैव द एक्सटर्नल जुगुलर वेन and then we have the internal jugular vein. Jo internal jugular vein hai it is formed in the brain itself from the confluence of the sigmoid as well as the inferior petrosal sinus. So
That is it for this video. If you like the video, please like, share and subscribe. And if you are new here, do consider subscribing to We The Doctors, since we post new medical related content every week. Thank you.